अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? सामने हैं और सारे मसाइल जो आप मुझे डिस्कस करना चाहते हैं वो आप फोन कॉल के थ्रू, मेल के थ्रू हमें भेज सकते हैं। अभी भी बहुत सारी मेल हमारे पास आए हुए हैं और डॉक्टर खुर्रम कल जी की भी रह गए थे। बिल्कुल बिल्कुल, कैसे निदा, एक हमारी जो मिस आयशा थी लाहौर से, उनका बेटे का मसला था, वो तो हम लोगों ने कैफे वाले यानी कि कॉफी विद मिल्क कहलाता है, इंटरनेट पे भी आप जाके देखिएगा। थोड़ी थोड़ा सा आपको मैं इंटरप्ट जी प्लीज प्लीज, कॉन्टेस्ट जो चल रहा है बुक का, इबा की तरफ से जो बुक मिल रही है आज हमारे व्यूअर्स को, बुक की हकदार है आज इरम गुजरांवाला से, वो जीती हैं लकी ड्रॉ के थ्रू। उन्होंने सही जवाब दिया, जवाब था स्पाइसी चिकन शाशले का जो हमारे शो में बन रहा है और सब्जी पुलाव है ना। अच्छा अच्छा, मिक्स सब्जी पुलाव। अच्छा ये जो वो बहुत सारे लोग, मैंने कुछ ईमेल्स देखी कि उन्होंने कहा आपने सही जवाब दिया, आपने हमें क्यों नहीं दिया, जहन में रखिए हमारे पास फोन से और यहाँ पे नेट फेसबुक से इतने सारे सही जवाब हैं। हाँ। तो वो लोग ये ना फील करें कि उनके सही जवाब पे उनको जवाब नहीं मिला, लकी ड्रॉ फोन कॉल है और फेसबुक है जी। तो अच्छा डॉक्टर साहब बैक जी, अरे नहीं नहीं बिल्कुल जी नहीं था। अच्छा मैं कहूँ ये देखिए कि ये जो कल मिस आयशा की कॉल थी और बड़ा वो परेशान होती है, देखिए बिल्कुल लेजर की जरूरत नहीं होती, एक लाइट सी मशीन होती है, देखिए अगर आपकी आंखों के पास मीलिया हो जाता है ना, एक तो मैंने आपको क्रीम बताई है क्या करना है, आपको ग्लिसरीन लेना है, उसके अंदर आपको एजिलिक एसिड और थोड़ा सा वाइटमिन ए डेरीवेटिव क्रीम लाहौर में तो गली गली मिलेगी, ठीक है वो आप मिक्स करके लगाएं, वो खुद ब खुद निकल आएगा, ठीक है। अच्छा ये देखिए मीलिया, इसको फोकस करेंगे, ये देखिए ये डॉक्टर कोरम, ये मीलिया जो है अगर आप लेजर से ना निकाले वैसे क्रीम इस्तेमाल करें तो कितने दिन लगेंगे इसको? क्रीम अगर करें तो 2 महीने पे, जैसे कि एक वो होता है ना बाजरे का बीज, जैसे मैं बोलता हूँ मिलेट सीड, वो खुद ब खुद पाउटिंग एक तरीके से बाहर निकल जाता है, बिल्कुल निकल जाता है। ये होता क्यों है, क्या वजह है? ये आपके पोर्स जो क्लॉग हो जाते हैं, खवातीन मेकअप करने से, मेकअप से भी हो जाते हैं, पसीने से, मेकअप से, या सर्दियां आती हैं। ब्लैक हेड और मीलिया में क्या फर्क है? अच्छा ब्लैक हेड तो एक्नी है, ब्लैक हेड तो है ही एक्नी, ये जो है आपके एक जैसे चीज की तरह एक चीज होती है, चीज की तरह इसको दबाएं तो बिल्कुल एक स्मेल आती है इसमें और चीजी टाइप एक दाना होता है अंदर, और इसके अंदर कोई लिक्विड भी होता है? लिक्विड नहीं होता, बिल्कुल अच्छा। क्रीमी चीज की तरह ना अच्छा। वो लिक्विड होता है कि अगर इंफेक्शन हो तो अच्छा। और ये मीलिया बड़ा कॉमन होता है, इसको खवातीन अक्सर ये होता है कि दबा के पार्लर में उससे नहीं करना चाहिए अच्छा। क्योंकि खड्डे पड़ जाते हैं फिर आपके पोर्स ओपन खुले रहते हैं अच्छा। तो ये अगर करें अच्छा, जो लेजर होती है उससे मैंने भी एक आध दफा कराया है, मैं उम्र पे गई थी, हाँ हाँ हाँ, वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही थी, सारी मट्टी अंदर चली गई थी, बिल्कुल मुझे ऐसा लगा यहाँ सारे मुझे मेरे मीलिया भर गए, बिल्कुल ब्लेड टाइप की चीज होती है उस पर जाती है, वो इलेक्ट्रोपॉटरी है और वो बिल्कुल बहुत ही माइल्ड फॉर्म है, इसका कोई नुकसान नहीं है और वो आप कराते हैं वो खुद झड़के और 3-4 दिन जैसे आप उसको जला से देते हैं, बर्न से करते हैं। लाइक क्रीम लगाएं तो आपको लगेंगे 2 महीने और फिर वैसे उसमें 1 हफ्ते में सही नहीं, वो क्योंकि आंख के पास है ना तो थोड़ा सा घबरा रही है, जबकि घबराने की कोई बात नहीं है मगर फिर भी आपके सेटिस्फेक्शन के लिए अच्छा। और साथ में क्या करना है कि जो मैंने आपको एक सैलरी बताई थी कल ना, जो वेट लूज करने के लिए, वो भी आप करें तो कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स या अगर आपकी चिकनाई जो होती है बॉडी में वो बिल्कुल नहीं होती, बड़ा तेज अच्छा। एक्ने का क्या आप कहेंगे? एक्ने के बहुत सारे मेल्स आई हुए हैं कि एक्ने जो हो जाती है, एक्ने कहते हैं बिल्कुल कहते हैं बिल्कुल, तो दाने वगैरह जो मुंह पर हो जाते हैं उसकी वजह से लड़कियां स्पेशली बहुत परेशान, बहुत टेंशन में आती है, ये सवाल भी हम आपसे करते हैं और बिल्कुल ब्रेक पे सॉरी कॉलर है हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही है? मैं नौशीन बात कर रही हूँ। नौशीन क्या सवाल करोगी? डॉक्टर खुर्रमिया मौजूद है, मैं ये पूछना चाहूंगी कि मेरा जो वजन है वो 56 kg है जी, और मेरी हाइट जो है 5'2" है जी। अच्छा, तो मैं अपना वेट लूज करना चाहती हूँ। बिल्कुल आपको बड़ी लाइट सी चीजें, अच्छा 3 चीजें, एक मिस नौशीन आपकी एज कितनी है? मेरी एज 25 25 है। अच्छा एक और मेरा पेट भी बड़ा हुआ है, पेट बड़ा हुआ है ठीक है। अच्छा चिकनाई तो बहुत ज्यादा नहीं खाती है? नहीं नॉर्मल। अच्छा मैं आपको बड़ी अच्छी डाइट चार्ट बता रहा हूँ एक, अच्छा ब्लड प्रेशर अभी बड़ी, तो अब यंग है तो ब्लड प्रेशर वगैरह तो कुछ भी नहीं होगा? नहीं बिल्कुल ठीक है। मैं आपको बड़ी एक और क्वेश्चन भी है जी, बोले मैं ना कलर मतलब तो डिम है। अच्छा, और मैं काफी चीजें यूज करती हूँ, फिलहाल तो साफ हो जाता है लेकिन फिर वही अपनी पुरानी टोन में आ जाता है। सब छोड़ दें, मैं आपको इतनी अच्छी चीज बताऊंगा और एक ड्रिंक भी बताऊंगा, वो पीजिएगा और आप ये क्रीम लगाइएगा, आप देखें क्या होता है ठीक है। थैंक यू सो मच। अच्छा ये जो कलर की बात है, कलर फेयर करने के बाद ये भी किसी ने सवाल किया है कि वो आप बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक बात और याद दिला दूं कि ना कि कलर अगर अच्छा करना है तो हमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपनी ग़िज़ा अच्छी करनी पड़ेगी, खूब अच्छी डाइट लें, और वो 4 क्रीमें मिलके आपको दी जाती है ना पार्लर में या कहीं भी, वो बिल्कुल नहीं कीजिएगा, उससे बड़ा नुकसान है ना। अच्छा और एक क्या करना है आपको, एक छोटी पतीली जो होती है ना इतनी टाइप की, उसमें आप तकरीबन 10 डंडियां पुदीने की उसको डाल के उबालें ठीक है, साथ में इलायची डालिएगा, थोड़ी सी दार चीनी डालिएगा, शहद साथ में मिक्स करती जाए या गुड़,
या गुड़, ठीक है, और साथ में इसके मिक्स कर दिया, थोड़ा सा हड़ भी डालिएगा, ठीक है। ये एक ड्रिंक बना के रखना है, आप रोजाना पियेंगे हर खातून और हजरात, तो उससे क्या होगा आपका रंग अंदर से ना सफेद होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, रंग सफेद करें, फेर करें, जो भी आप करना चाहें सवाल वो आप कर सकते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा ज़ौक ज़िंदगी में डॉक्टर खुर्रम, शेफ महबूब के साथ। और दिल तो मेरा नहीं चाहता कि ये चीजें बताई जाएं, लाइक गोरा होने की दवाई है वो, क्योंकि मुझे खुद नहीं अच्छा लगता कि कॉम्प्लेक्स जो लोगों में है, ये मुझे खुद नहीं अच्छा लगता कि आपको कॉम्प्लेक्स में डाला जाए, लेकिन पता नहीं लोगों की डिमांड बहुत होती है कि उनको गोरे होने की दवाइयां बताई जाएं। मतलब मैं इसमें शामिल नहीं हूँ डॉक्टर खुर्रम से, पता मैं एक बात, क्योंकि मुझे गोरे होने की बात नहीं, गोरे होने की बात नहीं, पता होता क्या है, ये अपने आप की ग्रूमिंग है, कि देखो हम अच्छे बाल कटवाते हैं, खूबसूरती में शुमार नहीं, नहीं होना चाहिए। देखो गोरे रंग से मेरा ख्याल है कि जो हम नाजी ना हेल्दी स्किन, हाँ गोरे रंग से मुराद होती है ग्लो, आप क्या कहते हैं, चलिए गोरे से पूछ गोरे से मैं कहाँ गोरा हूँ, मैं सिंपल ये कहता हूँ, मैं तो देखें हर एक शख्स, मेरे ख्याल में से सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी अंदर की खूबसूरती, ऑब्वियसली बाहरी खूबसूरती, जिन लोग जो खूबसूरत है वो बोलते हैं ये क्या बात कर रहे हैं, जिस तरह आप नहीं फील होता नहीं, देखिए मेरा गोरा रंग तो नहीं है ना, हाँ नहीं, लेकिन पर मैं मुझे कोई कभी कॉम्प्लेक्स भी नहीं हुआ कि बहुत गोरा रंग हो, लेकिन लेकिन वो एक और चीज मैं बताऊं, डॉक्टर साहब की ग्रूमिंग भी, और दूसरा ये हमारे माशरे का एक प्रेशर है जो आपको मजबूरन लेना पड़ता है, और उसके लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन भी निकालना पड़ता है। हम मीडिया में हमारी जिम्मेदारी है हम इस प्रेशर को तोड़ें, खत्म करें, नहीं मगर पता मैं एक बताऊं कि आपको कोई भी कॉस्मेटिक का ऐड नहीं मिलेगा, कोई ना मिले मुझे, मैं उन लड़कियों को तकलीफ में नहीं देख सकती जो गोरे रंग की वजह से बहुत परेशान होती हैं। भाई हम उनको तकलीफ से निकालेंगे, उनको अच्छा उनका कॉम्प्लेक्शन करेंगे ना, लेकिन देखिए ना आप अगर काला रंग है तो आप उसको बहुत ज्यादा गोरा नहीं आप उसको बड़ा मतलब गोरा नहीं मगर बड़ा ग्लोइंग बड़ा अट्रैक्टिव बना, मतलब हेल्दी स्किन करें। अच्छा पहले मिस मोशीन को मैं चाह रहा हूँ कि जरा और प्यारी हो जाए वो और गोरी सी हो जाए, तो उसके लिए क्या करना है कि एक ड्रिंक आप रोजाना बनाइएगा, क्या करना है आपको एक प्याला पानी लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल बॉइल्ड वाटर लीजिएगा, उसके अंदर 2 चमचे छाछ या बगैर चिकनाई वाला दही डालिएगा, ठीक है, 2 चमचे दही, खूब लस्सी टाइप बनाए, उसमें 1 चमचा पाउडर्ड सत्तू डालें, ठीक है, 1/2 चमचा कुटी हुई काली मिर्च, ठीक है वो, और 1 से 2 चमचा शहद या आप इसमें गुड़ का पाउडर मिला के ये ड्रिंक आप रोजाना पिए, आपका रंग डेफिनेटली अंदर से बड़ा ग्लो करने लगेगा, बड़ी तवनाई आएगी और अपने आप को अच्छा मुझे आप बताएं, कुछ लोग गोरा होना चाहते हैं तो फेस पे तो क्रीम लगा ले, हाथ और पांव तो वैसे ही रहेंगे, नहीं हाथ पैरों के लिए मैं क्रीम देता हूँ जी, और पूरी ब्लाइट सी है, पता नहीं देखिए, नहीं देखिए गोरी, देखिए मतलब गोरे, देखिए भाई अगर आप अच्छा, देखिए मैं एक्सरसाइज क्यों करता हूँ, हाँ। कि भाई मैं अपने आप को अच्छा महसूस करूँ, जब आप अच्छे लगते हैं तो आपका काम में दिल लगता है, और पता है भाई मैं तो कहता हूँ कि हाँ बड़ी मोहब्बत, मैं बार बार जुमला कहता हूँ, नहीं नहीं आप अच्छे लगे, नहीं नहीं मैं निदा कह रहा हूँ, नहीं नहीं निदा दूसरा निदा को और बेस्ट लेके निदा, तो आज क्या है कि आज छोड़ने की रेसिपी आज निकले ना, ये मैंने आज सोचा है। अच्छा जी हमारे साथ एक कॉलर है, वो ये वो कॉलर है जिन्होंने बुक जीती है जिनका नाम है इरम गुजरावाला से, अस्सलाम वालेकुम इरम। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, मुबारक हो तुम्हें ये बुक, बहुत खुश हूँ, और मेरी 1 बजे लाइट चली गई तो पता नहीं मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद मैं जीत जाती लाइट होती तो मैं देखती, तो आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, हम खुश हैं कि तुम खुश हो, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, और इंशाल्लाह तुम्हें बुक जल्दी मिल जाएगी, ठीक है जी, ने जी डॉक्टर खुर्रम। अच्छा एक बड़ी अच्छी डाइट चार्ट बता रहा हूँ खवातीन हजरात के लिए, जिससे और अच्छी हो जाए, देखो पता नहीं था क्या होता है जब आप अच्छी मेहनत करते हैं ना अपने ऊपर, तो आपकी बॉडी भी अच्छी होती है, रंग भी निखरता है, ग्लो करते हैं, वो एक अच्छी बात है, आप में कॉन्फिडेंस आता है ना। अच्छा एक बड़ी अच्छी डाइट चार्ट है, सब लोग यूज करेंगे तो आप देखिएगा कि बिल्कुल मोटापा गायब होगा। पहले तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो एक बड़ा ग्लास जो लस्सी का होता है वो आप लीजिएगा, नीम गर्म पानी, ठीक है, 1 लीमू पूरा निचोड़िएगा, ठीक है, उसमें 1 इलायची डालिएगा, 1 से 2 चमचे असबगोल की भूसी डालिएगा, 1 चमचा जामुन का सिरका डालेंगे और थोड़ा सा तुखमलंगा, ये आप मिक्स करके रोजाना नाश्ते से पहले आप पी लीजिएगा, फिर आप एक्सरसाइज करें, नमाज पढ़ें या जो भी आप इबादत करते हैं वो कीजिएगा, उसके बाद आप जो नाश्ता करेंगे ना उसमें आपको क्या करना है कि 1 से 2 पापे लीजिएगा, उसके अंदर बगैर लो फैट बटर जरूर लगाएगा क्योंकि चेहरे पे एक निखार रहे, एक फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, साथ में 1 कप बगैर बलाई वाला दूध पीजिएगा, कोई फल थोड़ा सा, ये कोई महंगा फल की जरूरत नहीं है, आप कोई सस्ता सा 1-2 आड़ू ले लें वो खाएगा, ठीक है, और साथ में 1 उबला हुआ अंडा
और साथ में 2 से 3 आप स्लाइसेस ककड़ी के और चाय जरूर पीजिएगा। दोपहर को जब 11-12 बजते हैं आपको भूख लगती है तो आपको क्या करना है कि आप एक चमचा एक प्याला बनाइएगा बड़ा जबरदस्त सा, जिसमें थोड़ी सी शिमला मिर्च, थोड़ी सी प्याज, थोड़ा सा टमाटर, थोड़े से कद्दू, थोड़े से ये चीजें बॉयल जो हो ये आप खाइएगा, थोड़ा सा सिरका डाल के और ऑलिव ऑयल, बिल्कुल 1 से 2 चमचे ऑलिव ऑयल डाल के बड़ी तवन आएगी। दोपहर हमारा एंड हो रहा है, बिल्कुल ठीक, बस दोपहर का खाना बताता हूँ फिर कल रात का। दोपहर को क्या करना है कि आपको 1 से 2 छोटे प्याले लीजिएगा ब्राउन चावल के, ठीक है, ब्राउन चावल या 1 से 2 फुलके ब्राउन चपाती, साथ में कोई एक टुकड़ा मछली का ले लीजिएगा या कबाब ले लीजिएगा, उसको बिल्कुल बेक कीजिएगा, ठीक है, और साथ में आप दूध जरूर। अब मैं भी कुछ डिजर्ट वगैरह मैं भी कुछ नहीं बोल सकती।